अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस ब्लॉग से बात कर रही हूँ। पहले मैंने आपको मेन कोसार दिखाया था, अब आपके जो साइडें हैं ना, इसकी कोसारी बहुत बड़ा है, तो आपको मैं उसमें विजिट कराऊंगी। चलें चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है, ये स्कूल है, इसका क्या नाम है स्कूल का? स्मार्ट स्कूल। ये कोसार का स्मार्ट स्कूल है। और ये घर बने हुए हैं, स्कूल है ये आगे का है गेट अंदर जाने का, वैसे अभी तो ये बंद है। ये आगे जाने का, बच्चे यहाँ से जाते हैं, बच्चों का है ये छोटे। और ये जो है प्लाजा है, छोटे छोटे प्लाजा हैं, ये समझो जैसे कोई मेरे पास से 6-7 yard तक का ही है प्लाजा, मतलब छोटा प्लाजा। और ये प्लाट अभी खाली है, ये भी है, बड़ा प्लाट लग रहा है, ये लग रहा है 300-400 फुट का लग रहा है प्लाट। ये गली है यहाँ की, यहाँ से दिखाते हैं। ये भी घर बने हैं, ये बड़े बड़े घर बने हैं, यहाँ घर है, प्लाट है 300-400 फुट के। वो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें दो प्लाट बना खरीद के बना सकते हो, मज़ीद बड़ा कर सकते हो, 600 गज़ पे 1000 गज़ पे भी ऐसे भी बना सकते हो, मतलब जिसकी जैसी प्रॉफिट ले सकता है। ये भी प्लाट है, ये भी यहाँ से 250 गज़ लग रहा है। ये भी रोड है, इसमें काफ़ी घर बने हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। पता है यहाँ की गलियाँ सब खुली थी, देख रहे कितने बड़े बड़े घर बने हैं, इसमें 1000 लोग 600 लोग इस तरह के बने हुए, बड़े बड़े बने हैं। ये भी प्लाट है, दो लग रहे हैं। ये भी प्लाट है, ये भी प्लाट है, यहाँ भी दो प्लाट है। और वो रोड है उस साइड पर, एक मेन घर है सामने, ठीक है ना। यहाँ तो भी ये भी है प्लाट है, लेकिन अभी यहाँ पे दरख्त वगैरह जब ये सेल होगा तो ही कटिंग हो जाएगी इसकी। अरे कितने अभी प्लाट खाली पड़े हैं, ये प्लाट खाली पड़े, इसलिए यहाँ पे जरा घास वास दरख्त वगैरह उगे हैं। ये प्लाट खाली पड़े हैं, वो सामने बने हुए, यहाँ से चलते लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, 28 साल की है हैदराबाद से। जिसके बने हैं उसके घर बने हैं,
सही है, इस तरह शुरू करो, ये सही है, अच्छा बना रहे। आगे भी देखते हैं क्या है, लौट है आगे। घर का ही बना हुआ है, पता नहीं क्या फैक्ट्री में घर है, अभी अधूरा है। पलस्ता नहीं हुआ, ये भी गली है, कितना बड़ा है कैसा, बहुत आगे तक है। ये भी घर बने हुए हैं, ये भी समझ लो काफी पुरानी है, ये है, ये प्लाट भी खाली है, कुछ इस गली में बने हुए हैं, एक सामने है। ये भी अच्छे बने हुए हैं, ये दो घर हैं अलग अलग है, वो भी हैं इसके साथ, ये तो प्लाटिंग बन रहे हैं, यहाँ भी घर, हाँ ये रह रहे हैं इसमें भी लोग। चलो आगे चलो, चलते हुए खास ही रहे, आपकी नजर खत्म नहीं होगी जितने घर बने में। ये भी लग रहा है घर बना है, एक ये बना है, अच्छे बने हुए हैं। ये भी घर बने हुए हैं, उधर तक घर बनेंगे काफ़ी लोग, आगे तक, आगे तक चलते हैं। ये तो खाली पड़े हैं प्लाट, ये भी दिखाओ, बहुत बड़ी पट्टी खाली है, पहले वहाँ से फिर से चलते हैं। देखिए सामने खड़ा भी देखते हैं, इसमें गले में भी काफ़ी घर बने हैं, मैं खुद भी यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ साइड पर, अच्छा बना हुआ है मेन घर भी, खूबसूरत लग रहा है, ये बड़ा घर लग रहा है। आगे तक है, चले आगे तक चलते हैं। अभी इतना बड़ा है कोसार, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, पूरे कोसार का विजिट कराऊंगी, क्योंकि हमने आपको सिर्फ इसका एक ही ब्लॉग बना के दिखाया था पहले, वो शुरू का दिखाया था। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का बना हुआ है, गाड़ी खड़ी करने का भी बना हुआ है यहाँ पे, दर्शक भी अच्छा लग रहा है, यानी शहर की तरफ आता जाता नहीं है। आ रहा है ये भी प्लाटिंग खाली है, और ये घर भी अच्छा बना हुआ है, ये पहले से लग रहा है, मुझे भी नहीं,
पहले के पुराने घर बने हुए हैं कि पहले से दिख रहा है तो वो नए घर बने हैं कि पहले क्या लग रहा है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पहली मरतब आई हूँ साइडों पर, तो अच्छा है यहाँ भी, यानी कोई आता जाता नहीं, वही रहते हैं जो आते जाते ही ज़्यादा, कभी यही प्लाट ही खाली है। बाउंड्री दी हुई नहीं, बाउंड्री तो दी हुई, हो सकता है घर बने या पता नहीं, हो सकता है कि पार्क वगैरह बना, अभी ये सही इलम नहीं इस बात का। देखो ये छोटी गलियां भी हैं अंदर, एक ही जा रही है आने का, ये जाने का, और ये घर बने हुए हैं, ये भी अच्छे बने हुए हैं। ये कार पार्क इन्होंने बनाया है छोटा सा, जिसके जैसे पसंद है इस तरह का घर बनाएंगे, डिजाइन घर के। ये सामने इन्होंने बॉर्डरिंग दी है कार वार खड़ी करने के लिए, ये इनके लिए अच्छा है, जैसे घर के पास ही खड़ी करना, तो साइड में खड़ी कर रखी, अच्छा बनाया हुआ है। और इनके मुझे लग रहा है छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, दिख रहा हूँ उनको, अच्छा लग रहा है, जैसे कोई कुर्सी वगैरह डाल के मौसम वगैरह अच्छा हो तो आदमी इसमें बैठ सकता है, कुर्सियाँ वगैरह लगा कर चाय वाय पी सकता है, अच्छा बना। ये साइड में जगह है ना, तो उन्होंने अपना बना रखा है, काफ़ी लंबाई में यानी कि काफ़ी सारे बैठ सकते हैं, बच्चे वगैरह भी खेल सकते हैं। मुझे लग रहा पहले का बना है, सामने बंद है। नहीं दिखा देते, ये प्लाट है अभी तक, पौधे जंगली पौधे हो गए, ये तो उन्होंने कार की शायद बनाई थी, कार वगैरह खड़ी करने की, ये यहाँ तक तो ब्लॉक किया हुआ इन्होंने, जगह है साइड क्या नहीं बंद है बिल्कुल, ये इन्होंने यहाँ से बंद किया हुआ है, ये बस इतना ही है आगे तक, वहाँ से वो रोड है शायद सामने की तरफ, ये एक ये घर है, एक ये घर है, ये कार पार्किंग इन्होंने दिया हुआ है, ये प्लाट अभी खाली है, अभी ऐसे बना हुआ है, ये कोसार के अंदर के हैं, ये टी स्कूल है ना, चलिए पुराने स्टाइल का लगा, ये पहले बना होगा ऐसे ही लग रहा है, ये पता नहीं बन पड़ा ही रहते हैं अभी ये लंबे लंबे, चले आगे चलते हैं। ये भी प्लाटिंग है, अभी ये बना नहीं है, एक ही बना हुआ है, ये पहले के लग रहे हैं मुझे बने हुए, पहले के लग रहे हैं लकड़ी, ये देखे आपको ये दिखा दे, ये भी पा लेंगे उन्होंने क्या है, मोर लग रहा है, ये पुराने लग रहे हैं जो पहले के बने, ये प्लाटे खाली है, ये तो मुझे छोटा लग रहा है, बैठो बैठो बस अच्छा लग रहा है, पता यहाँ पे इस तरह भी है कि जैसे आपका 400 वर्ष का प्लाट है या 300 वर्ष का प्लाट है, आप उसको आधा करके भी ले सकते हैं, इस तरह के भी बने हैं, इनको कोई 600-1000 वर्ष का भी बने हैं, इस तरह के बने हैं, सभी लगे हुए हैं, ये भी प्लाट है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये दो प्लाट लग रहे हैं मुझे, इसलिए ये बन रहा है, ये कुछ वहाँ भी बन रहा है,
बना हुआ है। हाँ ही बंद है। हाँ ही बंद है। अब यहाँ हम एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर। हाँ, आप हमारे साथ जुड़े, जो जो सोसाइटी होगी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।